मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास नगला तराई और राधा स्वामी सत्संग में पौधारोपण किया, साथ ही प्रदेश की जनता को प्रगति के पर्व हरेला की बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम सब अधिक से अधिक पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि कई सालों से हरेला पर्व को प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाए आते हैं, हमारा प्रयास है कि इस हरेला पर्व में जन जन की भागीदारी हो और आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदारी बने, इस बात की महत्वता को समझे कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमें पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि पौधों के संरक्षण संवर्धन पर भी ध्यान देना होगा, जिससे पौधे सूखे नहीं। उन्होंने बताया कि वन विभाग और उद्यान विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। खटीमा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। शुभकामनाएं देता हूँ पर्व हरेला पर्व की, और यह हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और प्रकृति के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदार बने, वह भी आने वाले समय के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझे कि इन पौधों को लगाने से किस प्रकार का हमको जीवन में फायदा होता है।